morning all of you. Dear students, so let's continue the chapter weather and climate. Okay, so this clear what is weather? Weather is the day-to-day condition of day-to-day atmospheric condition of a particular place at a particular time. Because weather changes day to hour to hour, day to day, and season to season. Okay, so at a particular time, what is atmospheric condition is weather. Okay, what is climate? What climate is also the atmospheric condition of a particular place, but for a long time, that we say 25 to 30 years. ओके सो अगर 25 से 30 ईयर्स तक एक उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं देन वी कैन से दैट व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. ओके क्लियर नाउ. सो अगर हमको क्लाइमेट उसका किसी भी प्लेस का क्लाइमेट हमें वो प्रिडिक्ट करना बताना है कि भाई इसका क्लाइमेट है वहाँ का इस तरह का होता है तो उसके लिए क्या होता है कि जो क्लाइमेट होगा. ओके सो जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट. ठीक है जियोग्राफिकल यानी कि लैंड जो आपके फैक्टर्स हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो लैंड के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. हाउ व्हाट आर दिस फैक्टर्स. सो फर्स्ट है आपका लैटिट्यूड. ओके लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सी ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल एल्टीट्यूड. ओके सो लैटिट्यूड दैट मीन्स कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कि भाई कोई भी जगह यानी कि कोई कंट्री कोई प्लेस जो है आपके इक्वेटर से जो आपके बीच में एक लाइन होती है हमारे अर्थ पे इमेजिनरी लाइन जो मिडिल अर्थ पे लाइन होगी उससे हम कोई भी प्लेस कितनी है उसकी डिस्टेंस है दैट इज द लैटिट्यूड. ओके सो डिस्टेंस कितनी है इस पे उसका क्लाइमेट जो है वो डिफर वो करता है कि भाई उसका क्लाइमेट कैसा होगा. डिस्टेंस फ्रॉम सी कि भाई जो समुद्र के किनारे हैं या समुद्र से दूर हैं उनका क्लाइमेट फर्क होता है. ठीक है भाई ऑब्वियसली यू कैन से कि जो जैसे कि मुंबई हमारा है वो हम बिल्कुल सी साइड मतलब सी पे है सी साइड पे है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई वहाँ का क्लाइमेट आप देखोगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा भी ठंडक नहीं पड़ती मौसम एक सा होता है तो इससे क्लाइमेट अफेक्ट करता है. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कहीं बारिश कम हो रही है तो इससे उस जगह का क्लाइमेट अफेक्ट करता है. ओके एल्टीट्यूड क्या है हाइट फ्रॉम दी एबव द सी लेवल. ठीक है कि समुद्र से कितनी ऊंचाई पर कोई प्लेस है. ठीक है तो हम वन बाय वन जो है हर फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके सो लेट्स टॉक अबाउट लैटिट्यूड हाउ लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट. ओके सो लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ये हमारा अर्थ है तो अर्थ के बीच में क्या होगी एक इमेजिनरी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं इक्वेटर. ठीक है तो इक्वेटर से कितनी दूर है. ठीक है डिस्टेंस उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं. ठीक है सो इक्वेटर में क्या होता है कि जब आपका सनरेज आती है ठीक है तो सनरेज है आपके इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है. ठीक है सो जो प्लेस आपके इक्वेटर के पास होंगे या इक्वेटर पे होंगे तो इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट. ठीक है सो द सनरेज फॉल्स स्ट्रेट ऑन द इक्वेटर देयरफॉर प्लेसेस इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड नियर बाय वेरी वार्म एंड हैव मैक्सिमम रेनफॉल. ठीक है तो भाई इक्वेटर के आसपास जो एरियाज हैं जो प्लेसेज हैं वहाँ पे आपका गर्मी ज़्यादा होगी वो बारिश भी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे जो आपके समुद्र हैं उससे पानी जो है वो इवेपोरेट होगा तो बारिश होगी. ठीक है मैक्सिमम रेनफॉल होगी. ठीक है बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर या तो हम पोल की तरफ ये आपका नॉर्थ पोल हो गया या आपका साउथ पोल हो गया. ठीक है नॉर्थ पोल एंड क्लियर यू नो आपने पढ़ा होगा एसएससी में तो नॉर्थ पोल जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर या तो हम आगे भी हम गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड आइदर साइड्स. ठीक है सो तो एंगल ऑफ सनरेज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है ये तो भाई बिल्कुल सीधा एसएससी पड़ रहा है जैसे जैसे हम नीचे या ऊपर की तरफ जाएंगे वो एंगल बढ़ेगा. ठीक है तो एंगल बनेगा तो उससे क्या हुआ कि सनरेज जो होंगी वो तिरछी हो जाएंगी. ठीक है एंड सनरेज बिकम स्लैंटिंग. ठीक है झुक जाएंगे सो डिक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और हीट. ठीक है तो ऐसे तो बिल्कुल सीधे आ रही है. ठीक है जब झुक जाएगी तो उसकी जो इंटेंसिटी है यानी कि उसकी जो मतलब उसमें जो इतनी तेजी होती है सनलाइट में और उसकी हीट ठीक है वो दोनों कम हो जाएंगे. ठीक है देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइंस ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. ठीक है तो अगर हम इस तरह से बनाएं तो हमारे पास तीन जोन हो जाते हैं. ठीक है तो इक्वेटर इक्वेटर
के पास जो प्लेसेस हैं, ठीक है, टॉरिड हो जाएंगे, फ्रीजिड एंड टेम्परेट जोन, ठीक है। तो इक्वेटर के पास जो प्लेसेस हैं ये आपके टॉरिड, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन, ओके। जो नॉर्थ पोल के पास प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वो है आपका फ्रीजिड, ये फ्रीजिड जोन है, फ्रीजिड जोन, ठीक है। और बीच में जो प्लेस बचता है ये आपका टेम्परेट जोन है। यहाँ तो ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे टेम्परेट, ओके, टेम्परेट जोन, क्लियर। तो इस तरह से हमारे आज के ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड जो है आपके थ्री जोन बन जाएंगे, ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल बोलिए या टॉरिड बोलिए, ठीक है, ये ट्रॉपिकल या टॉरिड भी बोलते हैं, टॉरिड या इसको ट्रॉपिकल एरियाज बोलेंगे, एंड आपका फ्रीजिड देन टेम्परेट। तो टॉरिड जोन्स क्या होते हैं, दिस जोन्स आर द हॉट एंड ह्यूमिड जोन्स, ठीक है, अराउंड इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास है, एंड दे गेट डायरेक्ट एंड स्ट्रेट सनलाइट, ठीक है, उनके पास सीधी सनलाइट पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, एंड दे हैव द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो बारिश भी हो रही है, बहुत अच्छी बारिश भी होती है और गर्मी भी बहुत अच्छी पड़ती है, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज हैं, यानी कि इक्वेटर के पास के जो एरियाज हैं वहाँ की आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, यानी कि वो हमेशा सदाबहार होते हैं, ठीक है। फ्रिजिड जोन, जैसे कि हम पोल के पास समझ गए, तो फ्रिजिड जोन पे क्या होता है कि हम जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, यू नो कि जो सन की रेज हो जाएंगी वो स्लैंटिंग हो जाएंगी, ठीक है। सो दीज जोन्स आर द रीजन्स अराउंड नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, दे रिसीव स्लैंटिंग सन रेज, ओके, एंड वेरी कोल्ड। आपको लगता होगा कि भाई तो ऊपर है तो डायरेक्ट ऊपर से पढ़नी चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्या होगा कि आप जैसे डायरेक्ट है और ये ऊपर की तरफ है, तो जब आपको हम जैसे जैसे ऊपर या नीचे की तरफ इक्वेटर से जाएंगे तो सनरेज छुक जाएंगे, ठीक है, या ऊपर की तरफ ऐसे एंगल बना लेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जो आपकी हीट है वो लेस हो जाएगी, ठीक है। सो आपके जो एंगल वो सनरेज एंगल बना लेंगे और स्लैंटिंग हो जाएंगे, ओके। सो दिस कॉजेज द यू नो कि डिक्रीज इन हीट एंड इंटेंसिटी ऑफ सनरेज, दैट्स वाई द एरियाज आर वेरी कोल्ड, ओके, एंड दे हैव ग्रासेज, लाइकेंस, मॉसेज एंड स्मॉल शब्स, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे से प्लांट्स होंगे। नाउ टेम्परेट जोन, दीज जोन्स लाइक बिटवीन द टॉरिड एंड फ्रिजिड जोन्स, दे हैव ग्रास लैंड एंड फ्यू ट्रीज, ठीक है, क्लियर है कि भाई लैटिट्यूड के बेस पे इस तरह से हम बता सकते हैं। तो जो प्लेस इक्वेटर के पास होंगे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, वहाँ गर्मी अच्छी और बारिश भी अच्छी होगी, ठीक है। फ्रिजिड जोन बहुत ही कोल्ड होंगे, एंड टेम्परेट जोन में ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ेगी और बारिश भी मॉडरेट होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है, कोई एरिया सी से कितनी दूर पे है, सी के एरिया क्लोज टू द सी और अवे फ्रॉम द सी, ओके। सो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओके, यू नो कि द कोस्टल एरिया, ठीक है, जो आपके समुद्र है, समुद्र के किनारे जो एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि यू सी दैट वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, एंड वेदर रिमेंस ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो जैसे कि मुंबई है, गोवा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ जो है, क्योंकि आप देखो कि पीपल्स डोंट वेयर स्वेटर्स, क्योंकि वहाँ पे ठंडक पड़ती ही नहीं, वहाँ पे क्लाइमेट एक ही जैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है और ठंडक भी नहीं पड़ती है, ओके। सो द कोस्टल एरियाज बीइंग क्लोज टू द, ठीक है, जो सी के क्लोज होते हैं उनको कोस्टल एरियाज कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। कोस्टल एरियाज वो एरियाज, वो आपके प्लेसेस जो दे आर क्लोज टू द सी, जो समुद्र के नजदीक हैं, जो समुद्र के किनारे पे एरियाज होते हैं, प्लेस हैं, सिटीज हैं, वो आपको उनको बोलते हैं कोस्टल एरियाज। तो वहां पे क्या होगा कि दे आर यू नो कि क्लाइमेट एंड देयर वेदर कंडीशंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। बट एज वी मूव इनलैंड अवे फ्रॉम द सी, ठीक है, तो जैसे जैसे सी से हम दूर जाके अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि यू सी की ड्रास्टिक चेंज इन समर एंड विंटर, ठीक है। ऐसे अब हम लोग जो हैं, समुद्र हमारे आसपास तो कहीं है नहीं यूपी में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि अब आपके जैसे कि दिल्ली हो गया, तो विंटर सीजन में क्या होगा, एकदम ही लो टेम्परेचर हो जाता है, कभी कभी तो माइनस में चला जाता है, ठीक है।
और आपका गर्मी में क्या होगा, वैसे ही हाई हो जाता है, मैक्सिमम 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है ये भी आपके अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। सो द एरियाज दैट आर क्लोज टू द सी हैव यू नो की हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट उनका जो है वेदर होगा, बट जैसे ही हम मूव करेंगे अभी फ्रॉम दी सी तो वहाँ क्या होगा कि चेंज हो जाएगा टेम्परेचर में। ओके नाउ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ओके सो ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ओके सो ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को, बट दिस टू फैक्टर्स आर ऑल्सो यू नो कि हम ये कह सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द क्लोजनेस टू द सी। ठीक है, तो अगर सी के क्लोजनेस टू द सी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, तो अगर कोई एरियाज आपके समुद्र के किनारे हैं और विंड्स, ठीक है, विंड्स का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका बारिश होगी। ठीक है, जैसे कि विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी, सी से हवाएं अगर आ रही हैं तो इट ब्रिंग्स रेन। ओके सो और अब अगर लैंड की तरफ से जो है आपके विंड्स आ रही हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि इट कॉजेस ब्राइट सनी डेज। ठीक है, सो ये कभी कभी जो है आपके हाँ माउंटेन्स जो होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेनफॉल के लिए। ठीक है, तो अगर कोई एरियाज आपके माउंटेन के पास, ठीक है, जैसे कि हमारे यूपी में है आपका इधर की तरफ हम देख लें नॉर्थ साइड में, तो हमारे नॉर्थ साइड में क्या क्या है आपके वो होते हैं उत्तराखंड है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, जम्मू कश्मीर है, तो उत्तराखंड के पास जो है आपके हिमालयन यानी कि माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो वहाँ पे आप सुनोगे कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उसके पीछे जो है आपका समुद्र है, तो समुद्र से क्या होता है आपका कि वेन मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम ओसन हिट्स द माउंटेन दे पोर रेन। ठीक है, तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कभी कभी जो है कहते हैं कि बादल फट गया है तो हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, उस एरियाज में तो माउंटेन्स भी होते हैं वो भी क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि रेनफॉल जिस एरिया में ज़्यादा ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ओके नाउ एल्टीट्यूड। ओके सो नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड हाइट एबव द सी लेवल। ओके सो सी लेवल से यानी कि एज वी गो हायर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, यानी कि सी से हम जितना ऊपर जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपने देखा होगा कि माउंटेन्स के ऊपर जो है वो इट्स कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, सो स्नो से कवर होती हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका टेम्परेचर लो है और जो है जब वहाँ पे क्या होता है कि जो बारिश की बूंदें या जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, वहाँ पे लो टेम्परेचर होने की वजह से वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन में, और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे आपके लो टेम्परेचर होने की वजह से बर्फ भी जमती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर कोई किसी प्लेस का एल्टीट्यूड, ठीक है, ज़्यादा यानी कि उसका हाइट सी से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ टेम्परेचर लो होगा और जो सी के क्लोज होंगे, ठीक है, हाइट जो है सी से क्लोज होगी वो आपके एरियाज में गर्मी होगी। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिनकी वजह से हमारा जो है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि क्लाइमेट जो है वो आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है। ठीक है, और क्या क्या है वो एक्टिविटीज़ दैट वी आर यू नो कि कटिंग डाउन द ट्रीज एट वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, एंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जो हम वो बना रहे हैं इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, तो लैंड जो जंगल को काट रहे हैं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल रेस्टोरेंट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, इसकी वजह से जो है आपका एरियाज जो है आपके प्लांट्स की कमी हो रही। ठीक है, और प्लांट्स क्या होते हैं आपके एक तो बहुत सारी चीज़ों में हमारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वो कैप्चर करके फूड बनाते हैं, तो अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कौन करेगा, नहीं यूज़ होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्युमुलेट होगा एंड कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। ओके सो रेफ्रिजरेशन है, रेफ्रिजरेशन से भी आपके हाथ से हार्मफुल गैसेस निकलती है। रेफ्रिजरेशन यानी ठंडा, कूलिंग एजेंट जो होते हैं हमारे वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वी आर यूजिंग दिस ऑल द थिंग्स बिकॉज ऑफ आवर लग्जरी। ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। ठीक है, सो वी शुड यूज़ द थिंग्स बट वाइजली। ठीक है, तो वाइजली अगर यूज़ करेंगे तो नहीं होगा, एंड इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एटमोसफेयरिक चेंज है, एटमोसफेयर भी चेंज हो रहा है
प्लस हमारा क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो रहा है। आगे क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं, बट इफ़ वी कंट्रोल आवर एक्टिविटीज देन वी कैन कंट्रोल द डिफरेंट इन्वायरमेंट इश्यूज। ओके आई थिंक दिस चैप्टर इज क्लियर। ओके।